तो या आज मैं शोकेस करने वाला हूँ क्राउन पेयर्स का टेक्सचर पैक। तो टेक्सचर पैक में डायमंड का लेते कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी देखने में सही लगती है। तो पहले क्रिस्टल की ओर बढ़ते हैं, और क्रिस्टल मतलब डिफ़ॉल्ट है, तो जिसको क्रिस्टल पीवीपी करनी है वो पैक इसी के लिए नहीं है। लेकिन नेदरराइट भाई है, नेदरराइट भाई देखिए कतई जहर लग रहा है, पूरा लाल लाल लग रहा है, मतलब मेरी स्किन के साथ थोड़ा मैच हो रहा है। बैक प्रिंट भी एकदम सेम लग रहा है, लाल लाल, वो भी मेरी स्किन के साथ मैच कर रहा है। ओके लेट्स मूव ऑन। शॉर्ट तो भाई देखते हुए कतई जहर वाली लग रही है, थोड़ा थोड़ा 8 एरर जैसी लग रही है, मतलब 8 एरर वाली मतलब क्लाउन पेज जैसी है, मतलब सेम ही है दोनों, इतना फर्क नहीं है। लेकिन मारने में जो लग रहा है ऐसा लग रहा है भाई अभी सबको मार के अकेला आ सकता हूँ भाई। पूरे पैक में जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वही भाई एक्स भाई, देखने में जो डेडली लुक दे रही है ना, और यहाँ देखो हाथ में पकड़ने पर क्या डेडली लुक दे रही है, दूर से बंदा देख के भाग जाएगा भाई, इतनी कड़क एक्स है इसकी। पिकैक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल है पिकैक्स। शील्ड में भी कुछ है नहीं इतना खास, लेकिन ये है टोटम सही दिखता है भाई, मतलब क्लाउस पियर्स की स्किन का है तो सही लगता है। एंडरपल में कुछ खास इतना है नहीं, मतलब नॉर्मल है, डिफॉल्ट ही पकड़ो, और पोशन भी डिफॉल्ट एक टाइप का डिफॉल्ट ही पकड़ेंगे। देखो गोल्डन एप्पल भी चेंज नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं इन सब में, वो भी ना कुछ खास नहीं है, और चार्ज इंडिकेटर भी नहीं है तो इतना मतलब खास नहीं लगा मेरे को। क्रॉसबो भी नहीं है चार्ज इंडिकेटर, और क्रिस्टल तो आपने देख ही लिया है, और ये इसके क्रिट पार्टिकल्स मतलब बहुत सही लग रहे हैं मेरे को। तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये टेक्सचर पैक सिर्फ पॉकेट एडिशन के लिए।